मैम एक्सक्यूज मी मैम, एक सेकंड सुनिए तो सही, आप कहाँ जा रही है? मैं पीछे छेड़ रहा था तू मुझे? हाँ लड़की देख रही, छेड़ना शुरू कर दिया, तेरी हिम्मत कैसे बिना मेरी परमिशन के मेरा हाथ टच करने की? अरे मैम आप हाथ पे हाथ उठाए जा रहे हो, मेरी बात तो सुनिए आप। क्या सुनूं तेरी? हाँ क्या बोलेगा, गलती से टच कर लिया, बदतमीज कहीं के स्वयं नहीं है, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है। मैम लड़के देखनी छेड़ना शुरू कर दिया, क्या मैम आप क्या? आप हाथ उठाई जा रही है, आपका सामान रह गया था लीजिए, आप छोड़ के चली गई थी, मैं तो आपको देने आया था। चोरी भी है तू? हाँ लड़कियाँ छेड़ने के साथ साथ चोरी भी करता है, अरे शर्म कर, जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर, बेशरम इंसान, हट्टा कट्टा तो है, जाके कमा खा, चोरी करने की क्या जरूरत है? देखा नहीं ब्रांड के कपड़े है, चोरी कर लिए, औकात है तुम्हारी ब्रांड पहनने की? जब औकात नहीं होती ना तो चोरी क्यों करते हो ना? तुम जैसे लोगों पे ना ये शुक्र शनि बाजार के कपड़े सूट करते हैं जो तुमने पहन रखे हैं, तो जितना लेवल है ना उतने में रहो, समझे? अरे मैम आप गलत समझ रहे हो, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं, आप ही अंदर छोड़ के चली गई थी, मैं आपको पीछे से आवाज भी लगा रहा था, आप सुन ही नहीं रही थी, आगे फिर आपने मुझ पे हाथ उठा दिया, मैं तो आपको ये ड्रेस देने आए थे। वाओ उल्टा मुझे ही गलत साबित कर दिया तूने। हाँ तेरे कहने का मतलब क्या है, मैं भुलक करूँ? बेटा मुझे ना मेरी चीजों का ख्याल अच्छे तरीके से रखना आता है, तो तू अपने औकात में रहे, समझा? मैम औकात की क्या बात करती हो आप, ना ओवर कर रही हो, ठीक है ज्यादा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे? मैम दिख नहीं रहे मैं लड़की हूँ, अगर तूने अपना टोन हाई किया ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए, समझा? कीड़े मकोड़े गरीब बहन का औकात है नहीं कपड़े लेने की, और एक तो कपड़े चोरी करते हो, बस सीना चोरी वही हिसाब कर रहे तू, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी तेरी माँ ने तुझे संस्कार नहीं दिए क्या? बस करो मैम, क्या संस्कार नहीं दिए, कैसी बातें कर रही हो? फिर बजाई जा रही हो, मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था, आप एकदम गलत समझ रहे हो, आप तो मेरी बहन जैसी हो, आपने जो सोचा ना वैसा बिल्कुल नहीं है, आपकी हेल्प ही करने आया था मैं। हंसने के बाद ना हर इंसान यही बोलते हैं, तुझे क्या लगता है तू ऐसी बातें बोलेगा और मैं मान जाऊंगी कि तूने कुछ नहीं किया? बेटा अभी तो तू मेरे हाथों पिट रहा है, अगर ज्यादा टोन हाई किया ना तो लोगों के हाथों पिटवाऊंगी तुझे, समझा? अच्छा आप मुझे मतलब फंसवाना चाहती है, पहले मुझे पे चोरी का इल्जाम लगाया, अब मुझे फंसवाना चाहती है, कल को पुलिस को आके तुम पिटवा दोगी मेरी, तो तुम लाइफ खराब कर दोगी, तुम जैसी लड़कियां ना ऐसी होती है, भलाई का जमाना नहीं है आज के टाइम में किसी की मदद करना। तुम जैसी लड़कियां, हां एक थप्पड़ और मारूंगी ना सारी अकल ठिकाने आ जाएगी, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। अरे मैम आप क्यों आगे आप बात बढ़ा रही है, आपका 10,000 का सामान है, इसमें बिल भी रखा हुआ है, आप छोड़ के चली आई, मैं तो आपकी हेल्प ही करना चाह रहा था ना, कोई बुरा तो नहीं सोचा ना मैंने आपके लिए, आप बल्कि गलत वे में लेके जा रही है मुझे। तुझे पता है इसमें लड़के के कपड़े हैं, और 10,000 की ना वो एक शर्ट है मेरे बॉयफ्रेंड की, समझा? और तूने सोचा कि चोरी कर लूं, तुझे क्या लगता है इतनी शरीफ हूं मैं जितनी शक्ल से दिखती हूं? बेटा बहुत अच्छे अच्छे थक गए हैं मुझसे, समझा? देखिए मैम माना कि आप लड़की है, बट मैंने तो आपकी हेल्प ही करी है ना, अगर मुझे ये चोरी करना होता तो मैं आपको देने क्यों आता, इतनी कॉमन सेंस नहीं है क्या आपके अंदर, और ऊपर से मुझ पे हाथ उठाई जा रही है? कॉमन सेंस की बात तू कर रहा है? हाँ अबे ओ बेअकल बेहुदा इंसान, निकल यहाँ से, चल बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, कहीं ऐसा ना हो पुलिस को बुला लूं। तो आप पुलिस की धमकी किसे दे रही है, और आप क्या मुझे डराना चाहती हो क्या? मैं ना यहाँ काम करता हूँ, कोई चोरी चकारी नहीं करता। देखिए मैम आप लड़की है, बट मैंने तो आपकी हेल्प ही करी है ना, अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं आपको एक ड्रेस देने क्यों आता, अब मैं गलत वे में लेके जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं काम करता हूँ, कोई चोरी चकारी नहीं करता हूँ। लग नहीं रहा तेरी शक्ल देख के कि तू यहाँ काम ही करता होगा, अरे आने जाने वाले कस्टमरों को बेवकूफ बनाते हैं, वो तो मैं एक सुंदर सी हॉट सी लड़की हूँ, इसलिए तो इसके बहाने मुझसे बात करने आ गया है ना, आते मेरा हाथ पकड़ रहा है, गलत मुझे टच कर रहा है, बदतमीज इंसान। वो मैंने इसलिए पकड़ा था, आप गाड़ी में बैठ जाती और चली जाती, मैं आपको पीछे से बहुत टाइम से आवाज लगा रहा था, बट आपने सुना ही नहीं, इसमें मैं क्या करूं? तब जाके सफाई किसको दे रहा है, तेरी सफाई सुनने नहीं बैठी मैं, चल निकल यहाँ से, मारूंगी अभी चप्पल खोल के, अब खड़े खड़े मुंह क्यों देख रहा है, तुझे समझ नहीं आ रहा कब से बोलूं निकल यहाँ से, लेकिन तुझे जाना ही नहीं है, तुझे तो और थप्पड़ खाने है, मुझे ऐसा लगता है ना अगर तुझ पे हैरेसमेंट का केस लगाना ही पड़ेगा, तभी तो जाएगा यहाँ से। क्या बात कर रही है मैम, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी यहाँ से, और यहाँ पे ना मेरी रिस्पेक्ट है, लोग मेरे बारे में क्या क्या बोलेंगे आपको पता भी है? मैं बिल्कुल ऐसा लड़का नहीं हूँ मैम, मेरे घर में माँ बहन। सफाई मत दे, बहुत अच्छे से पता है कि तू कैसा लड़का है कैसा नहीं, दो कौड़ी के इंसान। क्या हो गया, आप इनको मार क्यों रहे हैं? देखिए मैम आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है, ये बैग छोड़ गई थी, 10,000 रुपए की ड्रेस है इनके पति की, इनके बॉयफ्रेंड की, कोई मैं देने आया था, मुझ पे हैरेसमेंट का केस लगाने की बात करे, पुलिस बुलाने की बात करे, थप्पड़ भी मार रही है मुझे। एक्सक्यूज मी आप मेरी बात सुनिए, हरी एक नंबर का चोर और छिछोरा इंसान है, छेड़ रहा था मुझे, गंदे गंदे टच कर रहा है, और ऊपर से मेरा बैग चोरी कर लिया इसने। क्या बात कर रही हो आप, इसने कुछ नहीं किया, और हाँ एक बात बोल दूं आपको मैं, मैंने सब कुछ देखा, ये तो बेचारा आपका बैग छूट गया तो वो देना है, ऊपर से आप इसको मारी जा रही हो और धमकी भी दे रही हो, अरे शुक्र मनाओ आज के जमाने में ना अच्छे लोग नहीं मिलते कि आपका सामान इसने रिटर्न कर दिया, और आप इसी को सुनाए जा रहे हो मारी जा रही हो, अरे आपको शर्म है कि नहीं है? मैंने सब कुछ वहाँ पे देखा कि आपने क्या क्या किया इसके साथ,
और हाँ, जब आपका बैग छूट गया था ना, ये बेचारा भागते भागते आया। आपको इस चीज की तो कदर करनी चाहिए। सुन तो लेते बेचारे की बात, लेकिन नहीं, आपको सुननी ही नहीं थी। आप तो मारे जा रहे हो, कभी हरेसमेंट का केस लगाओगे, कभी कुछ करोगे। क्यों, लड़की हो तो ज्यादा फायदा उठाओगी। मतलब वो लड़का है तो कुछ भी नहीं है। मैम मुझे नहीं पता था, लेकिन नहीं, आपको पता कैसे होगा, आपने इसकी सुनी, सुनते फिर ना पता चलता। अरे मैम रहने दो, वैसे भी लड़कियों की पावर तो ज्यादा ही होती है, हम जैसे गरीबों की कौन सुनेगा। आई एम सो सॉरी भैया, लेकिन आपने जिस तरीके से मेरा हाथ टच किया मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे वो इसलिए क्योंकि आपको ये बुला रहे थे, आपने सुना नहीं, इसलिए मजबूरन आपको इनका हाथ पकड़ना पड़ा। अब इन्होंने क्या गलत किया, आपको पत्थर तो उठा के मान नहीं सकते थे कि रुक जाओ। बहन ऐसी कोई बात नहीं थी, आप गलत समझ रही है, मेरे माइंड में ऐसी कोई थिंकिंग नहीं थी, मैं तो आपको बस बैग लुटाने के लिए आया था। देखिए मैम, मेरे घर में भी माँ बहन है और आप भी मेरी बहन जैसी है, मुझे लगा कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सामान होगा इसलिए मैं देने आया था ना, वरना मैं क्यों आता। और आप जैसे सोच रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने इतना ओवर रिएक्ट करा, मैं भी आप पे हाथ उठा सकता था ना, लेकिन मैंने नहीं उठाया क्योंकि मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार बिल्कुल नहीं दिए। औरतों की और लड़कियों की इज्जत करता हूँ मैं, लेकिन मैं माँ बाप आपको क्या ही बोलूँ मैं। आई एम सो सॉरी भैया, मुझे भी समझना चाहिए था, ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, प्लीज़ माफ़ कर दो, गलती हो गई। कोई बात नहीं बहन। थैंक यू सो मच मैम, अगर आज आप नहीं होती तो हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग कभी क्लियर नहीं होती, और मैं इन्हें गलती समझती और ये मुझे। आगे से ध्यान रखना, किसी के ऊपर भी ऐसे हाथ नहीं उठाया जाता है, सोच समझ के बात सामने वाले की भी सुन लो क्या कह रहा है, अपने ही नहीं बोलना होता हमेशा। मैं चलती हूँ, सॉरी। थैंक यू मैम, आप आए, आपने मुझे बचा लिया, वरना ये तो केस कर देती। कोई बात नहीं, आगे से ख्याल रखना।